कहते हैं मनुष्य की ये प्रवृत्ति होती है कि जो चीज़ उसे जितनी आसानी से मिल जाती है उसकी कदर नहीं होती है। दुनिया में सबसे आसानी से मिलने वाली दो सबसे सस्ती चीज़ें हैं, या कहिए मुफ्त चीज़ें हैं, लेकिन जिनका मोल हम नहीं लगा सकते। एक है पानी और दूसरा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अहमियत क्या होती है ये हमने कोरोना काल में लॉकडाउन में देखा, जब हमने लाखों रुपया देकर ऑक्सीजन खरीदा और ऑक्सीजन को इनहेल किया। इसी बात को नजर रखते हुए आज इकरा मेडिकल यूनानी कॉलेज में हम लोग आए हैं, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि 101 वृक्ष पौधे लगाने का संकल्प लिया है। डेफिनेटली यहाँ पर मेडिकल हॉस्पिटल भी है, मेडिकल कॉलेज भी है, और यहाँ पर भावी स्टूडेंट्स जो डॉक्टर बनने वाले हैं उन्हें एक साफ शब्दों में संदेश दे दिया है इंटायर मैनेजमेंट ने, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सभी टीचिंग स्टाफ ने। आप भले डॉक्टरी पढ़िए, डॉक्टरी सीखिए, मरीजों की, रुग्णों की सेवा कीजिए, लेकिन पर्यावरण की रक्षा करना भी हमारा उतना ही बड़ा कर्तव्य है। और ये बड़ा कर्तव्य, हम तो ऑक्सीजन के सिलेंडर डेफिनेटली खरीद सकते हैं, लेकिन सबसे बड़े नेचुरल ऑक्सीजन के अगर कोई सिलेंडर है तो वो है ये पेड़ पौधे और ये वृक्षारोपण। कैमरामैन चेतन के साथ अयाज मोहसिन, इंडिया 365 लाइव के लिए। जलगांव के इकरा यूनानी मेडिकल कॉलेज में आज वृक्षारोपण किया गया, इस उम्मीद के साथ कि ये पौधे बड़े होकर मानव जाति को ढेर सारा ऑक्सीजन देंगे। इस अवसर पर प्रिंसिपल डॉक्टर कारी कुद्दूस, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर शोएब शेख, साथी में डॉक्टर अजीम शेख, डॉक्टर नसीम और मैं डॉक्टर टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ के कई कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे। इकरा यूनानी मेडिकल कॉलेज जलगांव, इंडिया 365 चैनल आप सभी स्टूडेंट से और स्टूडेंट्स के परिवार वालों से गुजारिश करता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाए, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। डॉक्टर, 100 के आसपास जो है हम ये पौधे लगाने का हमने जो संकल्प लिया है, तो इस वृक्षारोपण के बहुत सारे फायदे हैं। पहले तो पर्यावरण को जो है ये स्वच्छ रखने के काम आता है, और इसको जो है मतलब बहुत सारे इससे बेनिफिट्स हमको मिलते हैं। कुछ मेडिसिनल प्लांट्स भी हम लोग यहाँ पर लगाए हैं और लगाने वाले हैं, जिसके अलग अलग मौक़ों पर हमको जो है मेडिसिनल बेनिफिट्स हमको यहाँ पर मिलते हैं। तो इस तरह से हम डेमोंस्ट्रेशन के लिए भी बच्चों के कुछ यहाँ पर ट्री प्लांटेशन करते हैं, जो मेडिसिनल यूज़ में जिसका वो होता है, सहभाग होता है। तो हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली हो, पेड़ पौधे हो, और पौधों को, प्लांट्स को लगाया जाए, उन्हें जगाया जाए, यही हमारा जो है हम लोग संदेश देना चाहते हैं। सर, देखा जा रहा है कि एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस है उसके अंदर कार्बन इमिशन बढ़ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रमाण बढ़ गया है, पॉइजनस गैसेस ज़्यादा इवॉल्व हो रही है इंडस्ट्रीज से या व्हीकल से, तो ऐसे समय आप जो जन सामान्य है उनको क्या संदेश देंगे? यही मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आज के इतने जो मतलब खराब वातावरण चल रहा है, प्रदूषित है, तो उसमें अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ये वृक्षारोपण करते हैं, उनको जगाते हैं, तो उससे जो है ये एक्चुअली ऑक्सीजन का हमारे लिए सोर्स भी है, और ये ऑक्सीजन के उसको जो है बढ़ाता है, और उससे जो हमारा प्रदूषण है, पोल्यूशन है, या ऑक्सीजन की या जो है अच्छी हवा की, स्वच्छ वायु की जो कमी हो जा रही है वातावरण में या पर्यावरण में, उसको ये दूर करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है हमारे लाइफ को मतलब आगे बढ़ाने का मतलब काम करते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। बारिश को समय पर और अच्छे से होना, हवा, ऑक्सीजन और प्रदूषण को रोकने में ये हमारी मदद करते हैं। तो इसलिए ये एक अच्छा हमारा वो है, योगदान करते हैं हमारी उसमें लाइफस्टाइल में, तो हमको ट्री प्लांटेशन जो है वो करना चाहिए। हमारे साथ प्रिंसिपल साहब भी है, जो एक इस्लामिक स्कॉलर भी है, स्पिरिचुअल मामलों में अपनी अच्छी राय रखते हैं। सर ने साइंटिफिक जानकारी दी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से वृक्षारोपण या शजरकारी का आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से, मजहबी रूप से क्या इसके बारे में क्या बेनिफिट्स आए हैं? हमारे इस्लामी तरीक़े में ही ये दरख्त का बहुत एक अहम रोल है, क्योंकि इससे लोगों को साया मिलता है, साया के साथ साथ इससे अच्छी हवा मिलती है, अच्छा माहौल मिलता है, और इसमें से जहाँ जहाँ भी इस किस्म के ऐसे वाक़ात होते हैं या जहाँ जहाँ इस तरह प्रोग्राम किया जाता है, वो हमारी हर लिहाज से हमें फ़ायदेमंद है। इसलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग
इसमें शरीक हों और जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। लगाना तो कमाल है, उससे ज़्यादा कमाल है कि उसकी हिफाजत करें। हमारे कॉलेज की सभी टीम इसमें शरीक है, हम सबकी शुक्रिया अदा करते हैं और साथ साथ हम आप जो तशरीफ लाए आपके माध्यम से हम लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दरख्त लगाएँ। प्लांट या हरियाली के ज़रिए जो है हम बहुत हद तक हमारे माहौल को जो है वो पाक व साफ़ रख सकते हैं और एयर को और हवा को हम जो है पाकीज़ा कर सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जो आजकल हमारे माहौल में फैली हुई है तो उन बीमारियों से हम काफ़ी हद तक जो है वो बच सकते हैं। तो इस तरह से प्लांट जो है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा हमको प्लांट लगाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी हिफाजत भी करना चाहिए ताकि हमारा जो माहौल है, हमारी जो हवा है या एयर है उसमें जो पोल्यूशन है वो काफ़ी हद तक दूर हो सके, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर प्लांट में ऐसे ज़राए पैदा किया है जिसके ज़रिए हम बहुत सारे टॉक्सिन्स जो है बच सकते हैं और उसके ज़रिए हम बीमारियों को जो है अवॉइड कर सकते हैं। तो यही हमारा उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली करें और हमारे माहौल को जो है पाक व साफ़ रखें।